सो ही व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है मैंडरिन। अब यार काफ़ी टाइम बाद, मतलब मैं सोच रहा था कि काफ़ी टाइम नहीं, 2-3 दिन पहले ही सोच रहा था कि अभी कुछ एक वीडियो आई थी, मतलब कुछ नहीं एक वीडियो आई थी कि कोचिंग की फिनिश्ड करके, जिसमें मेरी स्क्वाड ने पूरी कोचिंग की निपटा दी थी। तो अब मैं सोचा यार इस वीडियो के ऊपर एक और, मतलब इसका एक होना चाहिए, सेकंड पार्ट भी होना चाहिए, और जिसमें मतलब रोज़ोक को फिनिश करते हैं हम लोग इस बार। तो वैसे फिनिश हो जाता है, हाँ पूरा फिनिश हो जाता है, अब बिना कुर्बानियों का काम नहीं चलता। इस बार भी ये हमारा एक जो टीममेट रहता है होना पड़ता है मेरे को यहाँ पर। तो वैसे अब इस बार की जो प्लानिंग थी वो कुछ ऐसी थी कि हम लोग रोजॉक के बीच पे सीधा नहीं जाएंगे, मतलब जो मेन जगह होती है रोजॉक के वहाँ पर नहीं जाएंगे हम, थोड़े साइड वाले बिल्डिंग्स पे उतरेंगे और वहाँ पर एकदम अच्छी खासी थोड़ी थोड़ी बहुत लूट करके जाएंगे फिर फाइट लेने। बट यहाँ हमारे साथ कुछ अलग ही हो जाता है, हम रश करने नहीं जाते पर एक स्पॉट रहती है जो हम पे रश करने आ जाती है यहाँ पर। हीलिंग स्टोन तो हीलिंग अब जब मैं यहाँ पर अपनी टीममेट को रिवाइव कर गया था तो मैं देखता हूँ यहाँ पर स्मोक हो रखा है और वहाँ पर अंदर कुछ रिवाइव वाला काम चल रहा है। तो अब मैं बस ऐसे ही अंदर वाला फायर करता हूँ, ब्लाइंड फायर करता हूँ, और एक बंदा वैसे बाहर ही खड़े रहते हैं जिसको मैं आराम से मार देता हूँ। और जब मैं यहाँ पर वैसे ही फायर कर रहा था UMP 45 से, तो भाई देखता हूँ कि दूर से जो 2 स्टोरी वाली जो बिल्डिंग रहती है वहाँ पर से कोई मेरे को 1 AM पेल रहा है। तो वैसे अब यहाँ पर नोक हो जाता हूँ मैं। अब यहाँ पर का जो पूरा काम रहता है वो मेरे एक टीममेट का देता है, डेविड रेक्स नाम का बंदा रहता है, आप जानते हो यार कई वीडियो उसका नाम लिया है मैंने, तो मतलब कई वीडियो पता नहीं कितनी वीडियो बना शायद तक 1-2 ही हुए हैं। हाँ तो अब वो काम कर देता है, वो बंदा सारा काम कर देता है यहाँ पर पूरी स्क्वाड निपटाने का। तो अब यार पता नहीं उस डेविड रेक्स से क्या हो गया था, रिवाइव नहीं कर रहा था उस बंदे को, चिल्ला रहा था भाई रिवाइव कर करके, बट पता नहीं क्या हो गया वहाँ पर का सीन, तो यहाँ से दिख ही नहीं रहता क्योंकि साफ साफ। तो अब यहाँ पर डॉक्टर क्या नाम था इसका, मैं बोल गया डेविड रेक्स, हाँ अब यहाँ पर भाई थोड़ा लेट आता है मेरे पास, फिर यहाँ पर एक बंदा भी आ जाता है यार, तब उसको मारने के लिए निकल जाता है, फिर वो वापस आता है मेरे को रिवाइव करने। तो अब ये देखो भाई रिवाइव नहीं कर रहा है यहाँ पर, बट रिवाइव कर रहे हैं यहाँ पर, बचा लेते हैं मेरी जान यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये डेविड रेक्स थोड़ी सी कंजूसी दिखाता है, इससे मेडकिट गिर जाता है पहले, फिर उसको उठा लेते हैं और मेरे को फर्स्ट एड दिखाता है, फिर फर्स्ट एड देता है मेरे को। तो ये बात थोड़ी अजीब लगी यार कि कैसा कंजूस टीममेट है मेरा। तो यार अब बस मैं यहाँ पर लूट कर रहा था कि तभी बॉड भैया आ जाते हैं अपनी फ्री की किल और लूट देने। तो भाई बड़े प्यारे बंदे, इनको बस अपन 4 दीवारी के अंदर मारना चाहते थे, तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ यहाँ पर ताकि बाहर ना जा पाए। तो अब जब मैं लूटते लूटते इस शेक पे आता हूँ छोटे से, तो मेरे को पता चलता है कि सामने वाले कंपाउंड पे 2 बंदे हैं जिनसे कुछ से मेरे को यहाँ पर आ जाती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सतर्क हो जाता हूँ यहाँ पर, देखते रहता हूँ यार कि कभी ना कभी तो पिक करेंगे मेरे सामने। फिर मैं सोचता हूँ यहाँ पर चलो एक नेड़ कर देंगे, तभी उन दोनों बंदों मतलब दोनों बंदे मेरे को यहाँ पर दिख जाते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं मेरे नेड़ के अंदर हुआ कि नहीं, पर तो अब ये सिंपली क्या करते हैं मेरे टीममेट को मारने जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं उसको पकड़ देता हूँ, पता नहीं शायद देखा नहीं था। तो अब यहाँ पर मैं उसके दूसरी टीममेट का वेट कर रहा था कि कब वो पिक करेगा, जैसे ही वो पिक करते मैं उसको फ्री फायर देता हूँ कि कभी ना कभी तो पिक करेगा और जिससे उसको मर ही जाएगा फिर वो।
तो मैं पर सिंपली कैसा नेट डाल देता हूँ जिससे कि वो मर जाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अब जैसे कि उसको नेट से तो कुछ हुआ नहीं, तो अब यहाँ पर मेरे को जाना पड़ा उसके ऊपर रश करने। तो अब यहाँ पर मेरे को नॉक डाउन टीममेट दिख जाता है नॉक वाला, तो हम उसको पूरा फिनिश कर देता हूँ ताकि कोई चांस ही ना रहे यार उसके बचने का, तो भाई ज़्यादा सही लगता है। तो अब यहाँ पर मैं अपने टीममेट को पहले भेजता हूँ एज अ बीट, तो वैसे वो वापस आ जाता भाई तगड़ा एक मारा था। और मेरे पास वैसी ख़राब ख़राब सी हेलमेट और वेस्ट पड़ी हुई है, तो आगे जाऊँगा पता चला मेरे को पूरा ख़त्म कर दिया तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा मेरा। यहाँ पर टीममेट को भेजता हूँ बीट बना के, और यहाँ पर किल मेरे से टीममेट ही ले जाता है। तो भाई लोग अब यहाँ पर होता क्या है ना कि रोज़ो जो रहते हैं पूरा खाली हो गया रहता है, तो मैं और मेरा टीममेट क्या करते हैं रोज़ो के बाहर निकल जाते हैं। मतलब जो मेन थीम था वो काम हो गया वीडियो का, हम बस आगे जाके हम लोगों को मरना था। उसके पहले जो इवेंट्स होते हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था, एक प्लेयर हुआ था दूर के, तो अब हम लोग इसको यहाँ लूटने आते हैं। और जब मैं आ रहा था यहाँ पर बगी से, तो मेरे को सामने दो बंदे दौड़ते हुए दिख गए थे। तो अब सीधे सीधे तो बगी घुसाना ठीक नहीं रहता है ना रूम के ऊपर, तो मैं थोड़ा घुमा के ले जाता हूँ। तब मैं बस ये सोचता हूँ कि जो दोनों बंदे हैं वो यहीं कहीं से आने वाले हैं, यहाँ पे रश करने वेरोस से आएंगे फिर वेरोस के साइड से आएंगे। बट भाई पता नहीं क्या अलग ही दिमाग चलते रहते हैं उनका, उन लोग यहाँ से निकलना चाहते रहते हैं बाइक लेके। दोनों को बाइक पे धूम मचानी रहती है ना एकदम ऋतिक रोशन वाली। अब भैया धूम मचानी ना तो किसी और बंदे के सामने मचाओ धूम, क्योंकि हमको तो एक ही हीरो पसंद है ऋतिक रोशन, और अगर उसकी बेइज्जती हुई ना तो मैं ऐसे फोड़ूंगा सबको। तो हम भाई यहाँ पर सिंपली भाई वैसे शुरुआत में तो मेरा बेकार स्प्रे रहता है इन दोनों पे, बट किल मेरे हाथ पे लगता है। अब उसके बाद भाई हम लोग उनको लूट लेते हैं, तो भाई तगड़ी तगड़ी गन मिल जाती है मेरे को। और यहाँ पर एक और ड्रॉप गिरा रहता है जिसके पास अभी अभी एक गाड़ी निकली रहती है, तो अब मैं उस गाड़ी को तो वैसे पकड़ना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, क्योंकि अब यहाँ पर मैं ये सोच रहा था कि और भी बंदे हो सकते हैं जो ड्रॉप लूटने आए हो, मतलब आएंगे। तो मैं बस यहाँ पर ये गाड़ी घुमाते रहता हूँ ऐसे ही तो फालतू में। तो अब मेरा टीममेट जो रहता है आजू बाजू देखता रहता है, कोई दिखता नहीं उसको। तो अब मैं यहाँ पर ड्रॉप पे ले लेता हूँ कि चलो भाई टीममेट मेरे लूट ले, क्या पता स्नाइपर ही मिल जाए तेरे को AW। वैसे तो कोई चांस नहीं रहती क्योंकि मेरे को लगता है वो गाड़ी वाले सब लूट के चले गए यहाँ पर। तो अब जब हम लोग वहाँ पर ड्रॉप के पास है ना, तो एकदम दबा दब फायर पड़ी थी हमारे ऊपर। तो अब मैं वापस से मतलब जान बूझ के मैं नहीं उतरा ताकि मेरे को गोलियाँ ना पड़े, और ये काम भी कर जाते। तो अब हम लोग यहाँ वहाँ से सेफली निकल जाते और सीधे इस कंपाउंड पे आ जाते, क्योंकि ये कंपाउंड एकदम मस्त जगह रहती है, आराम से बंदे स्पॉट हो रहे थे यहाँ से। और जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो एक गाड़ी निकलती है सीधे ड्रॉप पर जाती है वो। अब ना यार ये बंदा भी वही चीज कर रहा था जो मैं कर रहा था कि ड्रॉप के आजू बाजू गाड़ी घुमाते हैं फिर बाद पे आके ड्रॉप उठ के चले जाएंगे भैया। पर नहीं यार, मतलब तुम मैंडरिन के सामने मैंडरिन वाली चीज करोगी तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और वैसे तो उस बंदे की बहुत सही किस्मत रहती है, बच जाता है यहाँ पर मेरे से वो। और यहाँ पर मैं उस बगी के ऊपर एकदम सस्ती स्प्रे देता हूँ यार, मतलब एक गोली नहीं पड़ी उस बंदे को, लिटरली एक भी गोली नहीं पड़ी। और जब मैं वहाँ पर मार रहा था ना उस बगी को, तब यहाँ पर मेरे को साइड से मिनी 14 पे लग गया, लिटरली यार मिनी 14 से मारा गया मेरे को यहाँ पर। तो अब मेरे को यहाँ पर वो स्क्वाड दिख चुकी है जिसने मेरे को मिनी 14 से पेलने की कोशिश की, मगर भाई उनकी कोशिश नाकाम रही और यहाँ पर मेरी कोशिश भी नाकाम रही उनको AWM से पेलने की। I swear to God, man, I'm a man.
make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I gotta get through. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. तो अब यहाँ पर से मैं बस उन बंदों को ताड़ते रहता हूँ ताकि दिख जाए और हम भी एक आध शॉट पेल ही दें यार। मतलब AWM की अब बिना चले मज़ा नहीं आता AWM में। तो अब काफ़ी देर से मैं देख रहा था वहाँ पर, तो अब वो तो निकल ही नहीं रहते। अब पता नहीं क्या हो गया था उनको, पेट वेट ख़राब हो गया होगा शायद। तो अब क्या करते हैं, हम सीधे रश कर देते हैं उनके ऊपर। तो अब ये मेरा टीम मेट रहता है, बड़ा ड्राइवर तो सही है मगर इसको ये नहीं पता कि रोकना कहाँ है। तो वैसे ये बहुत गलत जगह पे रोक देता है और मेरे को पता रहता है पूरी स्पॉट जो है ना इसी कॉर्नर पे बैठी हुई। तो यहाँ पर मैं कैसे भी एकदम सस्ता स्प्रे देख के AKM का एक बंदे को नॉक कर जाता हूँ और एक बंदा सीधा भाग जाता है सामने वाले कंपाउंड पे। तो अब जब मैं उसको मारने जाता हूँ तो मेरे को पीछे से M4 पे ला जाता है। अब जब मैं यहाँ पर बाहर पे था ना वॉल के, तो मेरे साइड पे मतलब ऑन चल रही थी भाई, AWM चल रही थी मेरे साइड से। मतलब बाहर भी खतरा और अंदर भी खतरा, अब कुछ नहीं कर सकते थे यार यहाँ पर हम लोग भी। तो मैं क्या करता हूँ, बस उस बंदे को स्पेक्टेट करता हूँ और क्या करूँगा यार, गलती तो वैसे हमारी थी पर फिर भी यार रोज़ो खाली हो गया और कंटेंट मिल गया बस मेरे को।